हमारी बिटिया है संतोषिया, बेचारे की किस्मत बड़ी खराब है। बचपन में उसके माता पिता गुजर गए और जैसे तैसे करके लखनऊ के एक घर में शादी करी। दिन भर तो बेचारी संतोषिया काम करती रहती है और फिर भी वो लोग मारने पीटने से बाज नहीं आते। सीधे सीधे बताइए कि इस काम में हमारा क्या फायदा है। संसार का कोई भी न्यायालय एक अपराधी को मुक्त अवश्य कर दे, परंतु ईश्वर के दरबार में उसे उत्तर देना ही पड़ता है। हम क्यों जाएंगे थाने, हमने क्या किया है? महिला उत्पीड़न का आरोप है आप सब पर, प्लस दहेज एक्ट, प्लस डोमेस्टिक वायलेंस। और समझाएं क्या डिटेल में, ये समझ में आ गया? ये सब क्या बकवास कर रहे हैं आप, और क्या सबूत है आपके पास? सबूत चाहिए? अभी देते हैं सबूत। देखिए इंस्पेक्टर, आप ये वीडियो दिखाकर हमें डरा नहीं सकते। आप नहीं जानते कि हमारी पहुंच कहां तक है। हमें आपकी पहुंच से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल तो आपकी गिरफ्तारी होके रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, अरे ये क्या हो रहा है? अब इन्हें देखिए, जिसके साथ अन्याय हुआ है वो आपकी बगल में तो खड़ी है और हमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। खैर बता देते हैं कि पूरे मिश्रा परिवार पर महिला उत्पीड़न का केस है। लगता है पति बनने की जगह हीरो बनने की धुन सवार हो गई है। चलो थाने चलकर उतारते हैं नशा। ए दरोगा बाबू, जो कैसी बातें कर रहे हैं आप दरोगा साहब? नमस्कार समधी जी, हम तो बस संतोषिया से मिलने आए थे, पर यहां जे सब का हो रहा है। दरोगा साहिब, पहले आप जे बताइए कि आपने यहां आने की तकलीफ काहे की? अब लोग किसी को तकलीफ देंगे तो हमें तो आना पड़ेगा ना। अरे नहीं, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। नहीं, आप जानते नहीं है जो कौन लोग हैं। हाँ, हमें तो केवल इतना पता है कि ये बड़े नामी लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही बुरा काम किया है। अब दरोगा साहिब, काम अच्छा किया हो या बुरा किया हो, लेकिन जैसा कि इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पैसा जो होता है ना वो हर काम का तोड़ होता है, तो कुछ ले दे के एक मामले को सुलझा दिया। आप हमें रिश्वत देंगे? उठा के जेल में डाल देंगे ना, तो सड़ते रहोगे जिंदगी भर। एक मिनट इंस्पेक्टर, मैं खुद एक लॉयर हूं, आप हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। बिना अरेस्ट वारंट के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। देखिए, आप एक वकील हैं इसलिए आपको बता दें, कुछ मामलों में वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब पुलिस को लगता है कि मुजरिम को पकड़ना है तो उसे शक के बिना पर गिरफ्तार कर सकते हैं। समझ गए कि? और थोड़ा डीपली समझाए। एक मिनट भैया, जरा गुनाह मैंने किया ना, तो सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे ले चलिए थाने।
पूरे घर वालों को लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठहरे, किसके कहने से आए हैं आप यहाँ? हमने तो कोई शिकायत नहीं की। देखिए, हो ना हो आपको कोई गलतफहमी है, हमारा ससुराल है ये और हम यहाँ बहुत खुश हैं, हमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सब लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। संतोषिया ने आके सारा गुड़ गोबर कर दिया है, अब लगता है दूसरे पत्ते फेंकने ही पड़ेंगे। अरे बिटिया, अरे जब महिला खुद सब कुछ बता रही है तो आप जबरदस्ती महिला उत्पीड़न का केस काहे बना रहे हैं? पति पत्नी के बीच थोड़ा लुक्का छिप्पी, मन मुटाव, झगड़ा पिटाई तो चलता ही रहता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि पति पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, है? बाबू सही कहा ना हमने? अरे दरोगा साहिब, परिस्थिति को समझिए, यहां से चले जाने में ही आपकी भलाई है। और अगली बार ऐसे शरीफ लोगों के घर आने से पहले थोड़ा सोच समझ के आइएगा। हाँ, जाइए अब। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द अरेस्ट वारंट के साथ आएंगे। अरे संतोषी बेटिया, सच कहे तो आज हमें तुम पर बहुत गर्व हो रहा है और उससे ज्यादा अपनी परवरिश पर। आज तुमने दिखाई दिया कि वफादारी कैसे निभाई जाती है। अरे जिन लोगों का तुमने नमक खाया उनके साथ तुमने इतनी वफादारी निभाई, ये बेटा तुम ही कर सकती थी। हाँ, वफादारी? कैसी वफादारी? अरे धोखा कैसे हमारे साथ? यहां बड़ा देवी बन के घूमती फिरती है और पीठ पीछे जाके पुलिस में कंप्लेन करके आई है। और वो वीडियो, मैं पूछता हूं वो वीडियो उस पुलिस तक पहुंचा कैसे? ये सब संतोषी ने ही किया। धैर्य, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे जिसने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया, तुम उसे दोषी ठहरा रहे हो? कभी कभी ऐसे लगता है कि तुम्हें सच दिखाई नहीं देता, सब कुछ गलत दिखता है। अरे पत्नी नहीं माना तो मत मानो, लेकिन कम से कम इसकी बेइज्जती तो मत करो। पापा प्लीज, आप मुझे मत समझाइए, बल्कि इसकी चाल को समझने की कोशिश कीजिए। यही तो ये चाहती है कि एक तरफ ये काम बिगाड़े और दूसरी तरफ वो काम सुधार के ये महान बन जाए। दामाद जी, हमारी बात माने तो ये संतोषी ये सब काम बिल्कुल नहीं कर सकती। हमें कहा लगता है कि ये काम जरूर हमारी बड़की भावजी ने किया होगा। हाँ, बहुत लालची किस्म की है वो।
वो उन्होंने ठान लिए ना कि आपके परिवार को परेशान करेंगे, तो हमें लगता है उन्होंने ये सब किया होगा। तुम्हारी पूरी फैमिली कर्म कांडी है। पर आप लोग चिंता ना करें, शेषनाथ के पास हर ताले की चाबी है। हाँ हम निपटा देंगे सारा ये मामला। हाँ मतलब मैडम जी मतबल जरा हम आपको बाद में बताएंगे हैं। ठहरे, तुम अपने कमरे में जाओ और आप सब लोग भी अपने कमरे में जाइए। हाँ जाइए आप लोग, बहुत काम होगा आपको, जाइए जाइए। दरोगा साहिब और अपनी बड़की भावजी का हम संभाल लेंगे। प्लीज। ठीक है। लगता है मैडम जी को हमारी बात समझ नहीं आई, इन्हें अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। समधिन जी, वो कहा है ना कि जो छोटे लोग होते हैं ना उनकी सोच बहुत छोटी होती है, और जब भी ये ससुरे मुंह खोलते हैं ना तो हमेशा लालच ही भरा होता है। लेकिन हाँ, एक बार उनका मुंह पैसों से भर दिया जाए ना तो फिर वो ससुरे माफ कीजिएगा वो फिर चू भी नहीं करते। अब वैसे हमारी बीवी जो है वो इतनी लालची नहीं है, लेकिन ये जो बड़की भावजी है ना, हमारी बड़की भावजी, ये इनके कान भरती रहती है और तभी बेचारी बहक गई होगी। अब अपनी बीवी को तुम समझा देंगे, उसमें क्या है, दो मिनट में मान जाएगी वो। लेकिन जो बड़की भावजी है, अगर इन्होंने ठान ली है तो ये जब ब्रह्मा जी की भी नहीं सुनेंगी। हाँ, इन्होंने मुंह खोल दिया है तो आपको उसमें दो तीन नोट वाले बंडल ठूसने पड़ेंगे, तभी वो खुद चैन से रहेंगी और आपको भी चैन से रहने देंगी। शेषनाथ, साला ज्यादा के चक्कर में कहीं तुम कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गए हैं? लगता है समतिन जी को गुस्सा आ गया है, अंदर से पिस्तौल तो नहीं निकाल रही है। अरे नहीं नहीं, अरे समतिन जी ऐसा मत कीजिए, अभी तो बहुत जीना है हमें। अब वो कहा है ना कि हम पर काल सर्प दोष बहुत भारी चल रहा है आजकल, तो हमारे पंडित जी हमसे कहे कि बेटा शेषनाथ, जब भी तुम्हें कहीं से पैसे मिले तो पहले पैसों के दर्शन करना, पैसे देखने वाले को बाद में देखना, तभी हम वाली है। पूरे 25,000 रुपए जाकर दे देना अपनी भाभी को और कह देना कि मुंह बंद रखे। जे बात, बड़े लोगन की बड़ी महिमा। अरे सब मन का खेल है, अगर इनका मन खुश
तो समझो हमारी जिंदगी खुश। काश संतोषिया भी ये बात समझ जाती तो अपने लिए तो हर दिन होली होती और हर रात दिवाली। अब खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। और याद रखना, आइंदा कभी हमें या हमारे परिवार को परेशान करने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जी जी मैडम जी, जरूर। Disgusting. तू कब से इतना धार्मिक हो गया? मैंने कहा था ना, शादी के बाद तेरी एक नहीं चलने वाली, वही हुआ। अच्छा कब तक पहुंचेगा यहाँ पे? हाँ हाँ, फिर तू आ जा, फिर बात करते हैं, ठीक है? जल्दी आ जा, सी यू, बाय। चल टेक केयर। धैर्य किससे बात कर रहे थे और कौन आने वाला है? माभी निखिल, वो मेरे बचपन का दोस्त। हाँ उसकी शादी हो गई ना, अपनी बीवी के साथ आ रहा है। एक्चुअली इनका कुछ प्लान है वो शिव मंदिर में जाके कुछ स्पेशल पूजा करने का। मुझे भी चलने के लिए बोला तो मैंने हाँ कह दिया। माभी बस ख्याल रखिएगा कि उनकी मेहमान नवाजी अच्छे से हो, नाश्ते वाश्ते का अरेंजमेंट करवा दीजिएगा, बस दैट्स ऑल। क्यों नहीं, हम अभी पुष्पा को बोल देते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अरे बेटा तुम कमाल के इंसान हो, दोस्त की पूजा पूजा, लेकिन अगर वही तुम्हारी पत्नी करे तो वो झूठी भक्ति। कमाल की सोच है तुम्हारी। अरे भाई अगर दूसरों के बारे में इतना सोचते हो तो रत्ती भर अपनी पत्नी के बारे में सोचो, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझेगी। लेक्चर शुरू हो गया। लेकिन बेटे तुम्हें समझाना फिजूल है। अरे तुम तो ये भी नहीं जानते कि शिव मंदिर जोड़े में क्यों जाते हैं। जिस रीजन से भी जाते हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे दोस्त ने मुझे कहा, मैंने हाँ कह दिया, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। वहाँ मंदिर की क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है तो वहाँ जा ही क्यों रहे हो? अरे और बहुत सी जगह है शहर में, वहाँ चले जाओ। लेकिन बेटे अगर वहाँ जाना ही है तो संतोषी को साथ ले जाओ बेटा, क्योंकि लोग वहाँ अपने रिश्ते के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। पापा, धैर्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य तुम नीचे जाओ, तुम्हारी फ्रेंड्स आते ही होंगे। थैंक यू माभी। हमें क्षमा करना पुत्र, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाए। तुम्हारी माँ सहायती पुत्र, एक टाइम था जब मैं अपनी मर्जी का राजा हुआ करता था, लेकिन अब शादी के बाद से सिर्फ तेरी भाभी की चलती है और किसी की नहीं। Really? हाँ, यहाँ आने का प्लान भी मैडम का था। मैं तो सोचा था कहीं पिकनिक करते हैं, लेकिन नहीं, मैडम ने कहा हमें शिव मंदिर पे जाना है। वैसे उस मंदिर की मान्यता काफी है, है ना? मतलब अभी से अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिलाना चालू? शादी की है यार, अपनी बीवी की खुशियों का ख्याल मैं नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि ध्यान रखते रखते तू खुद परेशान हो गए। परेशानी उठाना पड़े मतलब? शायद आपको शादी का मतलब नहीं पता है इसलिए आप इस तरह की बातें करते हैं। सॉरी। माफ कीजिएगा, हमने देखा नहीं। इट्स ओके, कोई बात नहीं, देख कर ही चल सकती। मेरे दोस्त का जूता खराब कर दिया तुमने। यार कितनी बार हजार बार कहा तुम्हें कि यार ढंग से काम क्या करो, लेकिन तुम्हारा दिमाग होता अपना भूसा भरा है वहां पे।
यार I'm really sorry यार, दिल्ली में दूसरे जूते मंगवाता हूँ। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, इनकी गलती नहीं है। देख यार, साफ करो, साफ करो। हाँ। तुम्हारे लिए मैं दूसरे जूते मंगवाता हूँ अभी। अरे कोई बात नहीं यार, तू एक काम कर, शांति रख, और अब एक काम कर, जल्दी से जल्दी 2 मिनट में तैयार हो गया। ठीक है, चल चल 2 मिनट। हाँ अरे कोई बात नहीं, मैं माफ कीजिएगा, हमारी गलती की वजह से आपका जूता खराब हो गया। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कभी कभी जल्दी में ऐसा हो जाता है। वैसे आप अपना काम बहुत डेडिकेशन के साथ करती हैं, अगर आप बुरा नहीं माने तो हमारे लिए भी एक अच्छी सी लड़की आपकी तरह ढूंढ दीजिए। बाई इतनी आसानी से कहाँ मिलती है। अरे जीत रहो बेटा, जीत रहो, जीत रहो बेटे। आपको शायद समझने में कोई भूल हो गई, इसका नाम संतोषी है, ये घर की नौकरानी नहीं बेटा, ये धैर्य की पत्नी है। हमारी छोटी बहू है,